पारिस नाम रखा है इसका। वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल नया। नहीं बेटा, ये नया नाम नहीं है बल्कि बहुत पुराना नाम है, लेकिन लोगों ने रखना छोड़ दिया था इसलिए अब नया हो गया। ठीक कह रहे हैं अंकल, फारिस ईरान का बहुत पुराना नाम है, बस अदनान को पसंद था तो उन्होंने ही रख लिया। यकीनन बेटे का नाम बाप को ही रखना चाहिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। अरे यार, कोई भी रखे, बाप रखे, माँ रखे, बस दुआ तो ये होनी चाहिए बच्चे खुश रहें और हमारा पोता साहब जो हैं वो बस अमन में रहें, हैप्पी। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो पापा जान। थैंक यू। और बच्चे को बच्चे का तोहफा दे दिया, माँ को माँ का तोहफा, और ये तुम्हारा। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा है यार के इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है, मत किया करो ऐसे। अरे 20-25 साल के बाद तुम्हारे घर में खुशी आई है तो इस मौके पर तोहफा लाना तो बनता है या नहीं बनता? अरे अंकल, आप ऐसे ही तकल्लुफ करते हैं हमेशा। वो याद है आपको, वो लास्ट टाइम क्या लाए थे? ये परफ्यूम। इस दफा परफ्यूम नहीं है। अच्छा, मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हें इजाजत दे देगा, मैं नहीं दूंगा। अरे तुम तो आओ ना, आओ इधर बैठो, आओ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तुम लोग लगाओ आपस में गपशप, अब थोड़ा सा वक्त हमें भी इनायत फरमा दीजिए। बिल्कुल। लो भाई, तुम लोग जरा गपशप लगाओ, मैं जरा इनके साथ थोड़ी देर टहल के आ रहा हूं। आइए भैया, आइए। अब अदनान तो तुम जानते हो जर्मनी में था, पीछे से इसने जो गुल खिलाए हैं उसके तो सारे शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। अतिया मुझे इजाजत दे तो मैं तो हर सबूत जो है वो अदनान के सामने रख दूं, मैं देखता हूं फिर किस तरह से गुजारा करता है वो इसके साथ। सुफयान, तुम्हें ये सब बातें अदनान को कहनी चाहिए, और ये उसका हक है। बिल्कुल उसका हक है, और मैं कहूंगा भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ और बात करना चाहता हूं। कहो। देखो, आमना बेटी ने भी बहुत सख्त जिंदगी गुजारी और अदनान ने भी। मैं सोचता हूं अगर ये दोनों बच्चे मिल जाएं तो, मतलब अगर अदनान अपना ले आमना को, दोनों अगर एक दूसरे को अपना लें तो। सुफियान, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यार अदनान ने भी तो अभी तक अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। मेरे दोस्त, तो एक बार हां तो बोल, ये तलाक तो होनी होनी है यार। नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या कहूं। अगर तुम्हें किसी भी किस्म का एतराज है मेरे दोस्त, तो मैं आइंदा इस तरह की बात करूंगा ही नहीं। मैं इसीलिए तुझे अलग लेके आया हूं, मैंने सबके बीच में बात नहीं की है तुम्हारे साथ। रहमान, ये मेरी और मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि तूने रिश्ता मांगा, और अदनान बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है, और हमारी दोस्ती 35 साल पुरानी दोस्ती है यार। वो बीच में हम अलग हो गए थे, और मैं तो चाहता हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तो मैं फिर तुम्हारी तरफ से हाँ ही समझूं? मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम अदनान से बात करो, और उस दौरान मैं आमना से भी बात करता हूँ। मैं बिल्कुल अदनान से बात करता हूँ और तुम आमना से बात करो, और एक बात आमना बेटी को जरूर समझाना कि ये रिश्ता जो है ये हो जाए तो हमारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अब बेहतर हूँ। मैं ठीक हूं, बस समझ में नहीं आ रही है कि आपसे। बस मेरा बच्चा चले गए, मेरे भाई भाभी
अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से। क्यों चले जाते हैं अच्छे लोग? मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा सब कुछ थे मेरे भाई भाभी, सब कुछ थे मेरे भाई। वो ये सिर्फ आपका लॉस नहीं है, हमारा भी लॉस है। हम बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए। हाँ बेटा, बस अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अच्छा तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा टूर? ठीक था, नया एक्सपीरियंस हासिल किया, नए लोगों से मिला, लेकिन दिमाग जो था वो दोनों जगह बटा हुआ था। अभिया गम में प्रेग्नेंट थी और बस, और मैं यहाँ मौजूद नहीं था। बाकी सब कुछ ठीक था। हाँ बेटा, तुम सुनाओ मियाँ, कैसे करा दिया ये तुमने अपने साथ? बस हो गया यार, पता ही नहीं चला। अल्लाह ने जो लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है। जल्दी से ठीक हो जा, वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं मुझे फुटबॉल के। इंशाल्लाह, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। इंशाल्लाह, फिर खेलूंगा फुटबॉल। इंशाल्लाह। विकी, वो तुम वकील के असिस्टेंट से मिलने गए थे ना, तो हुई उनसे कोई मुलाकात? नहीं, वो मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, कोई बात, कोई फोन पे बात वगैरह कुछ बताया उन्होंने? हाँ, फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि साहब जी, वो गाड़ी मैंने बाहर पार्क कर दी, और क्या हुक्म है बताइए। बस थोड़ी देर बाहर रुको, हम आते हैं। जी साहब जी, मैं यहीं बाहर ही खड़ा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिए। साहब जी, कैसी तबीयत है? ठीक हो? जान बच गई? सदका दो। सदका तो बेटा मैं रोजाना देती हूँ। जी बीबी जी, बड़ों की बात मानो। अगर बड़ों की बात मानोगे तो जिंदगी अच्छी भी होगी, लंबी भी होगी। ठीक है, मौला सबको सलामत रखे। हाँ तो कुछ बता रहे थे ना तुम कि फोन पे कोई बात हुई थी, क्या बात हुई थी? फिकी, हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या बात हुई थी। हाँ, वो मेरी कोई बात नहीं हुई इससे। मुझे जाना था उसकी तरफ, लेकिन वो रात को ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, ये जो भी काम है मुझे बताना, मैं कर लूँ। वो मैं आपको घर जाके बता दूंगी। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। भाई कोई नहीं, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। जो भी काम है वो मुझे बताएगी, मैं कर लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा पुपो, इजाजत दे हमें। अच्छा मेरा बेटा, जीते रहो, खुश रहो। घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, वरना मैं
थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नहीं शुक्रिया, चलो आप खड़े बेटा। ख्याल रखिए अपना। हाँ बेटा, ख्याल रखो अपना। अच्छा बेटा भी, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।